11 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। शुक्रवार से लगातार बारिश हो रही थी जिस तरीके से, उसके बाद हालांकि अभी थोड़ी देर से लोगों को राहत मिली है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान है अभी और बारिश होने की संभावना है। हालांकि क्या कुछ अपडेट है अब तक इस पर हम बताएंगे, सीधे हम चलते हैं मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है आनंद शंकर सर, हम उनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ स्थिति अभी दिख रही है सर? जैसा कि ये जो मैसिव स्पेल ऑफ हैवी रेन था, इसका पूर्वानुमान हम लोग 26 सितंबर की जो प्रेस रिलीज थी उसमें दे चुके थे। तो उस दिन हम लोगों ने क्लियर कर दिया था कि सिर्फ 4 दिनों का, सिर्फ 4 डेज वाइडस्प्रेड रेनफॉल होगी, 26, 27, 28, 29। तो ये 4 दिन आप देखे होंगे पूरे वाइडस्प्रेड रेन हुई है और हैवी रेनफॉल भी काफ़ी हुई है। इसके साथ साथ सारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी, सारे लोग को ये पूर्वानुमान पहले दे दिया गया था। और इसका जो पहला इंडिकेशन आया था वो 19 सितंबर की एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट बुलेटिन होती है उसमें मिल गई थी कि 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। और इसके अभी जैसे कि अब सिचुएशन, जैसे जो सिस्टम थी ट्रफ के साथ एम्बेडेड साइसर थी, वो काफ़ी मूव कर गई है, ईस्ट की ओर मूव कर गई है। तो आज जो अलर्ट है, ऑरेंज कलर के अलर्ट है, सिर्फ 5-6 ज़िलों में है जो कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती ज़िले हैं, जैसे कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। और अभी रिमेनिंग पार्ट्स में हैवी रेन नहीं होगा, लाइट रेन होगा 1-2 प्लेसेस पे। तो अभी कह सकते हैं कि अगले 3 दिनों तक वर्षा की थोड़ी कम संभावना है, लाइट रेन होगी कहीं होगी, पटना में भी रेन काफ़ी कम गई है ऐसी पूरी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तो लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, जो बैड स्पेल था वो ख़त्म हो चुका है और अब ये जो टाइम है अगले 2-3 दिनों तक वो वर्षा की संभावना काफ़ी कम वर्षा होगी। सर आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर मानसून की बात करें तो मानसून का अभी कब तक यहाँ पे रहने की उम्मीद की जा रही है? हाँ, जैसे मानसून यूजुअली जो विड्रॉल है अभी डिले है, उसके बारे में जैसे ही अपडेट आएगा आप लोग को हम अपडेट करते रहेंगे कि, बट अभी मानसून विड्रॉल में थोड़ी डिले है। अच्छा, बारिश की अगर बात करें तो पूरे जिस तरीके से जो राज्य अलर्ट पे थे उसमें कितनी बारिश हुई है, और सूखा की बात की जा रही थी कि सूखाग्रस्त, तो वो तो अब पूरी तरीके से एक बार फिर से डूब चुका है। जैसे कि जो स्पेल थी रेन की वो हैवी स्पेल की 26 से, तो ऑलमोस्ट प्रतिदिन 50 mm के आसपास वर्षा हो रही थी। जो हम बोल रहे थे कि 29 सितंबर को सबसे ज़्यादा रेन होगा, सबसे ज़्यादा सिचुएशन वर्स होगी, उस दिन अराउंड मोर देन 80 mm बिहार के अक्रॉस हुई थी। तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कल की वर्षा देखें तो अराउंड 60 mm हुई है। तो एवरी डे 50-60 mm, वन डे 80 mm बिहार में रेनफॉल होती रही है। तो और जब ये स्पेल शुरू हुई होने के पहले मानसून ऑलमोस्ट नॉर्मल के आसपास थी, -19, -20 के आसपास थी, और अभी देखें तो पूरी तरीके से +3 आ गई है बिहार के डिपार्चर। 1 जून से 30 सितंबर तक बिहार की बारिश देखें तो सामान्य वर्षापात है वो 1017.2 mm, मतलब 1017 mm के आसपास है। लेकिन अभी जो वर्षा हो चुकी है 1 जून से लेकर अभी तक वो है 1050 mm। सर ये जो बारिश हो रही है इसका अगर मेन कारण क्या कोई चक्रवात वगैरह क्या असर है या कि क्या है ये? नहीं, आपको शुरू से ही बता रहे हैं ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थी और इसके साथ एम्बेडेड ट्रफ लाइन थी जो बिहार से पास हो रही थी। इसके कारण से फेवरेबल कंडीशन जैसे कन्वेक्शन वगैरह बिहार के ऊपर हो रही थी, इस कारण से ये एक्टिविटी हुई और इवन मॉइस्चर फीडिंग भी हो रही थी। मॉइस्चर फीडिंग इनिशियली बे ऑफ बंगाल से हो रही थी, फिर आपको दोनों तरफ से अरबियन सी से भी मॉइस्चर फीडिंग हो रही थी, बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर फीडिंग हो रही थी। तो इस कारण से ये जो मैसिव स्पेल ऑफ हैवी रेन हुआ है। आप एक बार मैप के से बता सकते हैं कि क्या कुछ अभी का दृश्य किस तरीके से, मतलब मैप के थ्रू कि किस तरीके से, जैसे वैसे तो दर्शक कुछ लोग समझने वाले होते हैं तो अच्छा, वो बता सकते हैं। ठीक है,
आप जैसे अभी देख सकते हैं कि आपको हमने बोला कि सिर्फ ईस्ट बिहार के ज़िले में ही वर्षा होगी, तो आप देख सकते हैं जो बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से, वहीं हैवी रेन होने का चांस है। तो आज की सिचुएशन है कि ऑलमोस्ट जो एटलीस्ट पटना में और वेस्ट रीजन में, एक्सेप्ट ईस्ट रीजन के 5-6 ज़िलों में देखें तो अगले 2-3 दिनों तक पूरी तरह से मौसम साफ रहने की संभावना है। 1-2 स्पेल लाइट रेन की हो सकती है सिर्फ। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मौसम का ये अलर्ट जो है, हालांकि अब थोड़ा सा कम हो चुका है। और सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, अगर जिस तरीके से बाहर के जगह पे जैसे झारखंड हो गया या फिर उधर मध्य प्रदेश से भी जो दिखाया, तो उधर की क्या स्थिति है, या फिर नेपाल के तहत अगर थोड़ा सा आप आइडिया दे सकें तो। नहीं, आपको जैसे कि इवन फर्स्ट डे से बोल रहे हैं, जब हैवी रेन के स्पेल्स हो रही हुई थी, नेपाल में बारिश की संभावना कम है, भारी बारिश की संभावना कम थी। तो इस कारण से जो फ्लड की सिचुएशन टाइप, जैसे कि फर्स्ट मतलब ऑनसेट ऑफ मानसून के आसपास हुई थी जुलाई में, वैसी सिचुएशन नहीं बनेगी। बिहार में ही पूरी भारी वर्षा हो रही थी, और झारखंड की बात करें तो ये बिहार से सटा हुआ एरिया है, और कल तक ऑलमोस्ट जो बिहार से सटे जिले में वहाँ भी बारिश हुई थी, लेकिन अब वहाँ भी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट लाइट रेन, मॉडरेट रेन टाइप के, जैसे बिहार में 1-2 प्लेसेस पे चांस है, उस तरह वहाँ भी रहेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जिस तरीके से आपने सुना, हालांकि मौसम अब थोड़ा शांत हो चुका है और जो स्थिति है वो लोगों को ज़्यादा डराने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस बार का जो अलर्ट था वो मौसम विभाग का लगभग उस तरीके बिल्कुल सटीक चल रहा है, और आज से स्थिति थोड़ी सामान्य है। हालांकि लाइट बारिश की जिस तरीके से सर ने बताया कि वो स्थिति है, तो वो थोड़ी बहुत और कुछ एक जिले ऐसे 5-1 ज़िले हैं जिन पे अलर्ट की बात की जा रही है। हालांकि अब बारिश की संभावना जो कम हो चुकी है, और दूसरे राज्यों की बात करें या फिर नेपाल की बात करें, जिससे कि डर रहता है ज़्यादातर कि अगर वहाँ भी भारी बारिश होती है तो इसका असर जो है वो सबसे ज़्यादा बाढ़ को लेकर के डराती है, लेकिन इस बीच बाहरे जो सटे हुए जो राज्य हैं या फिर नेपाल है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, इसलिए जो बाढ़ की संभावना है वो थोड़ा सा कम आका जा रहा है। तो फिलहाल इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 1 11। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।